रसूल अल्लाह के दर पर रोने लग जाता, कब्र अंदर जाकर चारों तरफ रोने लग जाता। हमारे मौजूद है किताबों में हजरत अय्यूब अंसारी जब आए कब्र से निपट कर रोने लगे चारों तरफ चारों कतार, और मरहमान आया, मरहमान आया, उसने लात मारी, उसने कहा क्यों क्यों कब्र के साथ लिपटे पड़े हो, कब्र वाला तुम्हारी बात को कैसे जाने। उस हजरत अय्यूब अंसारी फरमाते चार रसूल इंदा और हम याद थी फिर हजर कि मैं अल्लाह के रसूल के पास आया हूँ, किसी पत्थर के पास नहीं आया। मेरी बारगाह मेरी आखिरी बारगाह मुस्तफा में है, किसी आम कब्र पर या पत्थर पर नहीं है। कि अल्लाह ने इस महबूब को यह अता किया और ये मच्छर और ये मकाम अता फरमाए है, ये इज्जतें और ये अजमतें अता फरमाई है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के अहवाल से बाखबर है। तो सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पर नहीं हुए, वो जो सोबतों का तसलसल टूटा उस पर हुए हैं, उस पर हुए हैं। वरना हर सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार को हरबार में आकर अपनी परेशानी रखता, अपनी तकलीफ रखता, अपनी मुसीबत रखता, अपनी इस बात को रखता कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हाजिर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद एक यहूदी आया मदीने, मदीने आकर उसने कहा मौला कायनात का घर कौन सा है। सहाबा ने कहा मौला कायनात से क्या काम है, अली मुर्तजा से क्या काम है। कहा मैं सुनता आया हूँ कि वो दामाद रसूल है, इसलिए दामाद रसूल की दर पर हाजिरी देना चाहता हूँ। मौला कायनात के दर पर गया, आप भले आप रजी अल्लाह तआला पास निकले। कहा कैसे आना हुआ। कहा मैं ख्वाब देख रहा है कि मैं मदीने आया हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल किया है, लेकिन यहाँ आका नहीं है, अब क्या है। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार को करना चाहता हूँ। मलाए कायनात घर गए, आप सल्लम का जुबा लाए और कहा ये रसूलुल्लाह सल्लम का जुबा है, इसको सीने से लगा दो। कहा इससे आग नहीं बुझेगी, इससे इश्क नहीं ठंडा होगा, आंखों की ठंडक नहीं होगी, दीदार करवा दे। मलाए कायनात ने हाथ पकड़ा दरबारे को अरबाब ने आका की कब्र अंदर पर ले गए। कहा देख जा थोड़ी देर में आका तुझ पर चरण समा देंगे। नारे तकबीर नारे अगर ये खत्म हो जाए तो फिर दीन में कोई कायनात में कोई दीन ही नहीं बचता, किसी को पता ही नहीं होगा मोहम्मद कब आए थे। और गुस्ताख गुस्ताखियां करते रहे दिमाग में फ्रांस में खाके बनाते रहे माशाल्लाह। और मुसलमान गैरत ईमानी नहीं, गैरत ईमानी नहीं है कि एक एक यहूदी ने मुनाफिक ने जब यहूदी और मुनाफिक का फैसला आका की बारगाह में गया, आका की बारगाह में गया, आका ने फरमाया उस यहूदी को फैसला दे दिया। फिर उन्होंने कहा सदीक अकबर की बारगाह में चले, सदीक अकबर रुहमा बैनहुम थे, नरम दिल थे, फरमाया जो मेरे आका ने फैसला किया है वही फैसला मंजूर है। फिर भी वो मुनाफिक रहा आगा, कहा नहीं उम्र पाक की बारगाह में चलते हैं, वो जो करेंगे उसे क्या पता था। उम्र तो दरबार रिसालत में उस भी बर्दाश्त नहीं करता। जब जाकर सारा मसला रखा उस यहूदी ने कहा आका ने फैसला मेरे हाथ में दिया है, सिद्दीक अकबर ने भी उसी पर सरे खम किया है, अपने सर को झुकाया है। उम्र पाक कहने लगे अच्छा तो हर को एक मिनट में आता हूँ, गा गए तलवार निकाली उसका सर उड़ा दिया कि जो महबूब का हुक्म ना माने वो मुनाफिक है ईमान वाला ही नहीं है। ये सहाबा की मोहब्बत थी, ये सहाबा की मोहब्बत थी, सहाबा ने तो सर खम किया है, आका की मोहब्बत ने अपने सर को झुका दिया है। और फिर बात कहां से चली थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन विसाल भी हुआ बारह, अगर मान लेते कि बारह के दिन आका दुनिया से गए भी हैं आए भी हैं और गए भी हैं। अभी मेरे जुलूस में आयत पढ़ी थी, ईसा अलैहि सलाम ने कहा वस्सलामु अलैया यौम मुलितु व यौम अमूतु व यौम उबअथु हय्या, सूरह मरियम की आयत नंबर 33 है। वस्सलामु अलैया यौम उस दिन पर सलाम व मुलितु जिस दिन मैं पैदा हुआ, अलैया यौम मुलितु व यौम अमूतु और उस दिन पर सलाम हो जिस दिन मैं मरूंगा उठाया जाऊंगा, यौम अमूतु व यौम उबअथु हय्या और उस दिन पर भी सलाम हो जिस दिन मैं बरौज़े क़यामत उठाया जाऊंगा अल्लाह की बारगाह में। नबी आ जाए तो सलामती वाला दिन, नबी चले जाए तो सलामती वाला दिन। उम्मत के लिए ये न
نبی جب اللہ کی بارگاہ سے دنیا میں آئے تو دنیا والوں کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, رحمتوں کا پیغام ہے, اور جب دنیا سے اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں تو آپ ایک عاشق محجوب سے ملنے جا رہا ہے, ایک محبوب مرید سے ملنے جا رہا ہے, ایک صادق مسیح کی بارگاہ میں جا رہا ہے, ایک حامد محمود کی بارگاہ میں جا رہا ہے. تو پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, کیسی ملاقات ہوگی, کیسا عالم ہوگا؟ تو پھر وہ جانا محمود کے لیے خوشی کا ہے, خوشی کا دن ہے. تو اس لیے اگر دو جماعتیں یہ کہیں کہ یہ ولادت کا دن ہے یا وفات کا دن ہے, تو دونوں ولادت اور وفات خوشی کے ہی دن ہے. وفات تو اس کے لیے ہوتی ہے جس کو ہم یہ عقیدہ رکھیں یہ اب قبر میں کیا ہو رہا ہوگا, رب جس کے لیے دعائیں مانگے اللہ مغفرت فرمائے, یہ تو وہ ہستی ہے جو قبر میں بھی گئے ربی ہماری امتی, ربی ہماری امتی, یہ تو وہ ہستی ہے جو محشر میں بھی گئے ربی ہماری امتی, یہ تو وہ ہستی ہے میں آپ کی رات بھی گئے ربی ہماری امتی, یہ تو وہ ہستی ہے آتے رب بھی سر سجدے میں رکھ کے کہے ربی ہماری امتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ.